तो दोस्तों माइक्रोमैक्स के बहुत लंबे समय गैप के बाद माइक्रोमैक्स का एक स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स इंटूसी गीकबेंच पर लिस्टेड किया गया है, जहां से इसके बारे में फुल स्पेसिफिकेशंस निकलकर सामने आई है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में पहली बार एक न्यू चिपसेट के साथ में यूनिसोक T610 चिपसेट के साथ में यह स्मार्टफोन देखने को मिलेगा और ये चिपसेट 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बिल्ड है, तो पावर एफिशिएंसी भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे गेमिंग भी बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। और कब तक ये स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल सकता है और क्या इसका प्राइस होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो ये प्लास्टिक बिल्ड के साथ में आएगा और फ्रंट साइड में आपको सेंटर में पंच होल का डिज़ाइन देखने को मिलेगा और सिक्योरिटी के लिए आपको बैक में फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगी। तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि इस स्मार्टफोन में पहली बार इस चिपसेट के साथ में इंडिया में ये देखने को मिलेगा। अभी तक इस चिपसेट के साथ में इंडिया में कोई भी स्मार्टफोन आपको देखने को नहीं मिला है, जो कि होगा यूनिसेक T610 चिपसेट और जिसके साथ में आपको माली G50 का ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा, तो गेमिंग भी बहुत आसानी से इस स्मार्टफोन में कर पाएंगे। और साथ में आपको 4GB का रैम मिलेगा और 64GB तक इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। और अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो 6.52 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको डिस्प्ले की क्वालिटी भी ठीक ठाक देखने को मिलेगा। और साथ में आपको रियर में डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगी। 13 MP का प्राइमरी सेंसर होगा प्लस 2 MP का डेप्थ सेंसर होगा और सेल्फी के लिए आपको 5 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलेगा। और साथ में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। अगर ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक न्यू चिपसेट के साथ में माइक्रोमैक्स इंटूसी स्मार्टफोन देखने को मिलेगा और प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इसके लॉन्च डेट के बारे में। तो ये स्मार्टफोन जुलाई के लास्ट वीक तक ये स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर इसकी प्राइस की हम बात करते हैं, तो इस स्मार्टफोन का 8000 से इसका स्टार्टिंग प्राइस आपको देखने को मिलेगा।